क्लास 12th पार्ट 2 फिजिक्स चैप्टर नंबर 14 जिसमें हम लोग जिसको स्टडी कर रहे हैं सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इसमें हम लोगों ने अब तक स्टडी किया है सेमीकंडक्टर के इंट्रोडक्शन को और फिर उसके बाद इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, फिर उसके बाद पीएन जंक्शन डायोड, उसके बायसिंग और फिर रेक्टिफायर, इन सारे चीज़ों को और जेनर डायोड, इन सारे चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया है और इन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा। सम स्पेशल पर्पस ऑफ जंक्शन डायोड, ठीक है, जिसमें हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे एलईडी को। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। तो एलईडी में हम लोग उसके वर्किंग को समझेंगे कि वो कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एलईडी का फिगर बनाते हैं कि उसका डायग्राम कैसा होगा, ठीक है। तो एलईडी के लिए उसका जो पीएन जंक्शन होगा, ठीक है, कुछ इस तरह का होगा। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर और यहां इसका डिप्लेशन लेयर, ये इसका डिप्लेशन लेयर है और इसमें मेजोरिटी क्या है तो होल्स और माइनॉरिटी है इसमें इलेक्ट्रॉन्स। इसमें मेजॉरिटी क्या है तो इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी कौन है इसमें तो होल्स है, ठीक है। ये यहां पर बीच में डिप्लेशन लेयर है, ये पॉजिटिव यहां पर, ये नेगेटिव, ठीक है, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसको हम लोग, ये जो हमारा पीएन जंक्शन है एलईडी वाला, इसका इसकी डोपिंग बहुत हाई होती है। इसकी डोपिंग कैसी होगी, हाई, बहुत ज्यादा डोप्ड होगा, बहुत ज्यादा इंप्योरिटीज होंगे इसमें। उसके बाद इसका कनेक्शन कैसा होगा, तो इसका बायसिंग कैसा होगा, तो इसका बायसिंग हम लोग करेंगे फॉरवर्ड, बायसिंग होगा इसका फॉरवर्ड, ठीक है, इसका बायसिंग कैसा होगा, फॉरवर्ड बायसिंग होगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि एक बैटरी से जोड़ देते हैं, तो चूंकि फॉरवर्ड बायसिंग है इस वजह से, ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग है इस वजह से पॉजिटिव पी को पी के साथ जोड़ देंगे, पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और एन को जोड़ देंगे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, ठीक है। ठीक है, तो देखिए फॉरवर्ड बायसिंग कनेक्ट कर दिया। अब इसके वर्किंग को समझने के लिए हम एक कंसेप्ट समझेंगे, उस कंसेप्ट को कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर। इसके कंसेप्ट को समझना है कि इलेक्ट्रॉन होल बनता कैसे है। तो इसको हम लोगों ने बहुत पहले इस लेक्चर को जब हम लोगों ने एनर्जी बैंड समझा था तो वहां पर इसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। उसमें हम लोगों ने यह पढ़ा था कि जो इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, जो प्योर सेमीकंडक्टर है, उसका अगर हम एनर्जी बैंड बनाए तो उसका एनर्जी बैंड कैसा होगा। उसका एनर्जी बैंड जीरो केल्विन पर ये जो वैलेंस बैंड है इसमें इलेक्ट्रॉन फुल है, इसमें पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं जीरो केल्विन पर। और जो कंडक्शन बैंड है वो कंडक्शन बैंड क्या है, खाली है। कंडक्शन बैंड क्या है, खाली है, कितना पर, तो जीरो केल्विन पर कंडक्शन बैंड पूरा खाली है, वैलेंस बैंड भरा हुआ है इलेक्ट्रॉन से। तो ये वाला सिचुएशन हम लोगों ने एटम के अकॉर्डिंग भी लिया था कि इस वाले ये जो वैलेंस बैंड है ये क्या कर रहा है, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन है और उसके पास जितनी भी एनर्जी है वो बस एक ही काम कर रही है उस एनर्जी से ये वैलेंसी बनाने का, जिसको हम लोगों ने इस तरह से समझा था कि ये जैसे मान लेते हैं सिलिकॉन एटम है तो इसके पास चार इलेक्ट्रॉन ये हो गए और चार इलेक्ट्रॉन ये हो गए, और ये सिलिकॉन एटम और ये सिलिकॉन एटम और इसके इलेक्ट्रॉन अपना चक्कर लगा रहे हैं, इसके इलेक्ट्रॉन अपना चक्कर लगा रहे हैं और साथ में इसके भी चक्कर लगा रहे हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन के पास जितनी भी एनर्जी है वो बस इतनी है कि वो क्या कर रहा है, वैलेंसी बनाने का काम कर रहा है, इसलिए इसके एनर्जी को हम लोगों ने वैलेंस बैंड में दिखाया था। अब हम क्या करते हैं कि अगले स्टेप में इसी क्रिस्टल को
ये जो क्रिस्टल ऐसे घूम रहा है, इसी क्रिस्टल को हमने क्या किया, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाल दिया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाल दिया। तो इस इलेक्ट्रॉन पर अब फोर्स लगा, जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा, क्योंकि हमने एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, जैसे ही इस पर फोर्स लगा तो ये निकला, यहां पहुंच गया और यहां पर क्या क्रिएट कर दिया, एक होल क्रिएट कर दिया। ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया और यहां पर अपने पीछे क्या छोड़ गया, होल्स छोड़ गया। तो अब अगर हम एनर्जी मान लेते हैं कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास कितनी एनर्जी है, 100 जूल, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास कितनी एनर्जी है, 100 जूल। तो ये वाला कंडीशन अभी ये वाला है, ये एटॉमिक लेवल पर हम डायग्राम बनाएं और ये इसी को अगर हम दिखाएं एनर्जी बैंड के बेसिस पर, तो इस लेवल पर बनाएंगे कि इस टेम्परेचर पर ये ऐसा है, बैंड एनर्जी बैंड के बेसिस पर ये फिगर इसका ऐसा होगा। लेकिन अब जब हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिए तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़ गया, क्योंकि इसके पास एनर्जी ज्यादा है और वो एनर्जी 100 जूल से ज्यादा है, मान लेते हैं कितनी, 120 या 120 जूल है। तो इसका अगर हम इस बेसिस पर ग्राफ बनाएं या एनर्जी बैंड से दिखाएं तो कैसे दिखाएंगे, यहां पर ये वैलेंस बैंड है इसके पास, ठीक है, ये वैलेंस बैंड, इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं और अब चूंकि इसके पास एनर्जी ज्यादा थी इस वजह से ये जंप करके कहां चला गया, यहां से यहां चला गया। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया है लेकिन अपने पीछे क्या छोड़ गया है, एक होल छोड़ गया। तो ये फिगर इसका है और ये फिगर इसका है। तो इलेक्ट्रॉन और होल्स कैसे बने, इस वजह से बने कि हमने उसे एक्सटर्नल एनर्जी दी, एक्स्ट्रा एनर्जी दी। 100 जूल पर वो वैलेंसी बना रहा था, 120 जूल पर वो रिलीज हो गया, अपने जगह को छोड़ दिया और पीछे क्या बनाया, होल बनाया। तो रिलीज होने के लिए इस इलेक्ट्रॉन के पास इस वाले इलेक्ट्रॉन के एनर्जी से ज्यादा एनर्जी, यहां 100 है यहां 120 है। तो फॉर्मेशन ऑफ EH पेयर, इलेक्ट्रॉन और होल्स ऐसे बने। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन, इसका रिकॉम्बिनेशन क्या होगा। तो रिकॉम्बिनेशन कहने का मतलब यह है कि ये जो इलेक्ट्रॉन और होल्स हैं ये वापस फिर से क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिकॉम्बिनेशन। तो देखिए अब ये इलेक्ट्रॉन और होल्स को वापस आना है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन था अब ये वापस चाह रहा है कि हम इस होल को कैप्चर करें। तो यहां पर जब है तो इसके पास एनर्जी कितनी है, 100 जूल, यहां पहुंचा तो एनर्जी कितनी है, 120 जूल। अब जब ये वापस आने के बारे में सोचेगा तो इसके पास एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 100 जूल। तो ये रिकम्बाइंड करने के लिए क्या करेगा कि वापस इसको होल में आना है तो ये क्या करेगा कि इसके पास जो एक्सेस एनर्जी है 20, ये 100, 120, ये जो 20 एक्सेस एनर्जी है इसको क्या करेगा, रिलीज कर देता है। क्यों रिलीज करेगा, क्योंकि इसको रिकम्बाइंड होना है, ठीक है। रिकम्बाइंड होने के लिए ये क्या करेगा, इस एनर्जी को रिलीज करेगा। इसके पास 120 है, इसको आना है 100 पर, तो इसके पास जो 20 जूल एनर्जी एक्स्ट्रा है, इस 20 जूल एनर्जी को ये क्या करता है, रेडिएट कर देता है, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। कब रेडिएट करेगा, जब ये रिकम्बाइंड होगा, और रिकम्बाइंड कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन और होल पेयर बने हो तब ना रिकॉम्बिनेशन होगा। तो इसको बनने के लिए एनर्जी ज्यादा मिलेगी और वापस आने के लिए जो एक्सेस एनर्जी है उसको ये रिलीज करेगा, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी कितनी होगी, ठीक है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी कितनी होगी, तो एच इंटू न्यू, ई यहां पर एनर्जी है, एच प्लैंक कॉन्स्टेंट, और एफ क्या है, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो अब देखिए ये फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करेगा, तो ई अपॉन एच, ये फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगी इस एनर्जी पर, कि एनर्जी जितनी ज्यादा होगी फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा होगा। और अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाला, ठीक है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाला अलग अलग विजिबल लाइट, अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रा रेड, इस तरह का लाइट हमें यहां से इमिट करेगा और वो हम सेंस करेंगे, अपने आंखों से सेंस करने वाला होगा। विजिबल लाइट तो हम सेंस कर पाएंगे, नहीं होगा तो नहीं देख पाएंगे। ये जो कंसेप्ट है, ये जो बिहेवियर है, यही बिहेवियर एलईडी है।
इसमें अब क्या हुआ इस एक्शन को समझिए। यहां बेसिक क्या है, इलेक्ट्रॉन और होल बनना और वापस से रिकम्बाइंड होना। तो जब रिकम्बाइंड होगा तो जो बनने वक्त जो एक्सेस एनर्जी थी वो रिकॉम्बिनेशन के वक्त वही एक्सेस एनर्जी वापस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में निकलेगी। उसके पास एनर्जी कितनी होगी, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी कितनी होगी, इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू यहां पर फ्रीक्वेंसी है और न्यू बराबर ई अपॉन एच। और अब देखिए जैसे ही हम इसको फॉरवर्ड बायस किए तो फॉरवर्ड बायस करने से क्या हुआ कि ये इसके पास पहले से कुछ इलेक्ट्रॉन है और कुछ होल्स है, इसके पास पहले से कुछ हो मैक्सिमम होल्स है और कुछ इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही हम इसको फॉरवर्ड बायस करते हैं यहां से इलेक्ट्रॉन्स जाना शुरू करते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन जाना शुरू किए, यहां से इलेक्ट्रॉन जाना शुरू किए और इसमें इंटर कर जाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही इंटर करते हैं तो इनकी नजर होती है यहां जो होल्स है उस पर, तो ये इलेक्ट्रॉन जो यहां से गए हैं ये इस होल्स को कैप्चर करना चाहते हैं। मतलब कौन सा स्टेज है, रिकॉम्बिनेशन वाला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वापस कहां जाना चाह रहा है, होल के पास। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस होल को लेने की कोशिश करेगा। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, सब होल्स को लेने की कोशिश करेंगे। इधर से होल्स आएंगे पॉजिटिव चार्ज, वो किसको कैप्चर करना कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रॉन के साथ। यहां जो पॉजिटिव पहुंचेंगे वो किसके साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ। तो यहां पर भी रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, यहां पर भी रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। और जब रिकॉम्बिनेशन होगा तो वो जो एक्सेस एनर्जी है वो रिलीज करेगा किस फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। तो यही इसकी डोपिंग हाई है, इसके पास इंप्योरिटीज ज्यादा है, तो यहां पर रिकॉम्बिनेशन दोनों तरफ से होना होने लगता है। और रिकॉम्बिनेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो इसके माध्यम से, इधर डिप्लेशन लेयर के माध्यम से यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक क्रिस्टल लगा देते हैं, और जो भी एनर्जी रेडिएट होती है यहां से रेडिएट होने लगी। और जब ये एनर्जी यहां से रेडिएट होगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी डिसाइड करेगी कि ये लाइट विजिबल होगा या नहीं होगा। और फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करता है, एनर्जी पर। फ्रीक्वेंसी किस पर, एनर्जी। और एनर्जी किस पर डिपेंड होगा, तो एनर्जी डिपेंड होगा, एनर्जी डिपेंड होगी आपको नेचर ऑफ सेमीकंडक्टर या मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ सेमीकंडक्टर। जैसा भी सेमीकंडक्टर हो, जैसे हम लोग सेमीकंडक्टर क्या क्या पढ़े, सिलिकॉन जर्मेनियम या फिर ऑर्गेनिक में गैलीलियम आर्सेनाइड, तो जो भी टाइप का हम मटेरियल लेंगे सेमीकंडक्टर का, उस बेसिस पर उसके पास एनर्जी होगी। और उस एनर्जी के बेसिस पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा उसके पास उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। अब ये फ्रीक्वेंसी ही डिसाइड करेगी कि ये हमें दिखेगा या नहीं दिखेगा। अब देखिए जैसे एलईडी लाइट है तो आप देखे होंगे बहुत जगह व्हाइट एलईडी है, रेड एलईडी है, तो ये कलर का भी जो कॉम्बिनेशन है, ये जो पार्टिकुलर कलर निकालना, ये भी इस मटेरियल पर ही डिपेंड करता है। फिर उसके बाद आपके रिमोट में, घर में आप देखे होंगे रिमोट के टॉप पर एलईडी बल्ब लगा होता है, लेकिन आप देखते हैं वो कभी जलता नहीं, आप बटन दबाते हैं लेकिन वो जलता नहीं, तो वो क्यों नहीं जल रहा है, वो भी तो एलईडी है, उसमें से भी रोशनी दिखनी चाहिए, लेकिन उसमें से रोशनी हमको नहीं दिखती है। क्यों नहीं दिखती है, क्योंकि वहां से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रहा है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी उस लेवल की नहीं है जितनी विजिबल लाइट की होनी चाहिए, और विजिबल लाइट वाली फ्रीक्वेंसी नहीं है, इस वजह से वो हमें, उसमें से जो वेव निकल रहा है वो हमें नहीं दिख रही। अब जो वेव वहां से निकला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आपके देन ये सेटअप बॉक्स में क्या रहता है या डिश टीवी में क्या रहता है, एलसीआर सर्किट रहता है, वो वेव यहां से निकला हमें नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी विजिबल लाइट के रेंज में नहीं है, इस वजह से वो फ्रीक्वेंसी यहां से निकली, आपके सेटअप बॉक्स में जाकर एलसीआर सर्किट में सिलेक्टर सर्किट रेजोनेंस हुआ, रेजोनेंस होकर आपको एक पर्टिकुलर चैनल देखने को मिलता है। तो वो वहां पर एलईडी ऐसा खराब नहीं है, वो खराब जल नहीं रहा, इसका मतलब ये खराब नहीं, वो वेव रिलीज कर रहा है, वो वेव रिलीज कर रहा है एलईडी, और वो जो रिलीज वेव है वो आपको विजिबल होगा या नहीं होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पर। तो ये एलईडी का कंसेप्ट है। तो एलईडी का गैलीलियम आर्सेनाइड, अभी मैंने बताया कि जो मटेरियल सेमीकंडक्टर के मटेरियल का जो नेचर होगा उस बेसिस पर इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी निकलेगी। जैसे गैलीलियम आर्सेनाइड अगर हम लेते हैं तो उसमें से आपको इंफ्रारेड रेडिएशन मिलेगा,
अगर हम गैलीलियम फॉस्फाइड लेते हैं तो रेड और ग्रीन, गैलीलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड लेते हैं तो रेड और येलो। तो जिस नेचर का हम मटेरियल लेंगे, है ना, सेमीकंडक्टर के मटेरियल का जो नेचर होगा, उस बेसिस पर आपको यहां से रेडिएशन देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका एडवांटेजेस क्या क्या है, तो लेस पावर, बहुत कम पावर ये यूज करेगा, लो वोल्टेज पर ऑपरेट होगा। दूसरा इसका एडवांटेज क्या है, फास्ट एक्शन, जल्दी काम करेगा। जैसे कोई कोई बल्ब ऐसा होगा कि जो गर्म होने के बाद हीट देता है, तो वहां पर वो टाइम लॉस होगा, उसके बाद वो एनर्जी कंज्यूम करेगा गर्म होने के लिए, फिर आपको रोशनी देगा। यहां पर ये क्या है, फास्ट एक्शन, जल्दी, कोई गर्मी, गर्म होने वाला लफड़ा नहीं, जल्दी से फास्ट एक्शन, ऑन कीजिएगा ऑन हो जाएगा, ऑफ कीजिएगा ऑफ हो जाएगा। लॉन्ग लाइफ, उसके बाद फास्ट ऑन ऑफ स्विचिंग कैपेबिलिटी, इसके मदद से, जैसा अभी मैंने रिमोट वाली बात कही, तो रिमोट में क्या है, स्विच ऑन ऑफ करते हैं आप टीवी का या फिर एसी का, किसी भी चीज का आप स्विच ऑन ऑफ कर लेते हैं इजिली और फास्ट कर लेते हैं, तो ये भी इसके अंदर, ये सब इसके क्या है, एलईडी के एडवांटेजेस। फोटो डायोड क्या होता है और इसके वर्किंग का कंसेप्ट क्या है, उसको थोड़ा देखिए। यहां पर हमारे पास एक पीएन जंक्शन है, ठीक है, ये पीएन जंक्शन है, पी टाइप एन टाइप, इसके पास मेजोरिटी होल्स है और माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन, इसके पास मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी होल्स, ठीक है। यहां पर डिप्लेशन लेयर है, पॉजिटिव नेगेटिव, इसको हम, इसका जो बाइसिंग करेंगे, ठीक है, तो इसके लिए भी डोपिंग कैसी होगी, इसके लिए भी डोपिंग होगी हाई, और बाइसिंग इसका कैसा करेंगे, तो बाइसिंग इसका होगा रिवर्स, ठीक है, रिवर्स बाइसिंग किए। अब देखिए बाइसिंग इसका रिवर्स है, पी टाइप को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिए और एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिए। तो जैसे ही हम ऐसा करेंगे, और यहां पर ये वाला जो हिस्सा है, इसका जो डिप्लेशन लेयर है, इसको हम लोग बहुत सेंसिटिव बनाते हैं, लाइट सेंसिटिव। लाइट सेंसिटिव इसलिए क्योंकि इस पर हम सूरज की रोशनी को, सूरज की रोशनी या लाइट रेज, इस पर हम चाहते हैं कि मैक्सिमम रेज इस पर इससे टकराए, और ठीक है, जैसे ही लाइट रेज इसके अंदर पड़ेगी, तो इसके अंदर जो एटम सब है, उस एटम के पास क्या होगा, देखिए जैसे यहां पर एटम है, ठीक है, अब ये जो एटम है, इस एटम में इलेक्ट्रॉन है चारों तरफ, और इस पर जैसे ही लाइट रेज आएगी, तो लाइट रेज के पास क्या होता है, पार्टिकल नेचर क्या कहता है कि लाइट जो है वो एनर्जी के पैकेट से बना है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फोटोन। तो ये अपने साथ, इसके पास क्या है, फोटोन, और फोटोन के पास क्या, एनर्जी। जैसे ही वो फोटोन आएगा और इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, तो वो क्या करेगा, अपने एनर्जी को इसको दे देगा, और ये अगले स्टेज में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर यहां फ्री हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन यहां फ्री हो गया है, और यहां क्या पैदा कर दिया, होल, ठीक है। तो यहां पर हम सेम काम कर रहे हैं, अभी जो रिकॉम्बिनेशन और फॉर्मेशन वाली बात जो हमने पढ़ी है, उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था, यहां पर भी वही काम है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ना देकर के हम किसका यूज कर रहे हैं, फोटोन का यूज कर रहे हैं। तो जैसे ही इस पर फोटोन पड़ेगा, वो अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देकर इलेक्ट्रॉन को फ्री करा देगा। तो एक एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहां पर ये एटम है, इस एटम में से इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया, और इसके पास, इस एटम के पास क्या बच गया, होल्स। अब ऐसा ऐसा बहुत सारा इलेक्ट्रॉन, बहुत सारा एटम इस फॉर्मेट को फॉलो करेगा, क्योंकि उसके पास क्या है, फोटोन वाली एनर्जी है, तो फोटोन वाली एनर्जी की वजह से वो एक्साइट होते होते एटम को छोड़कर फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स, फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स बनता चला जाएगा। अब जैसे ही ये बनेगा, तो देखिए इसके पास ये बना, और इसके पास फील्ड कैसा है, तो इस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ नेगेटिव है, तो ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, इस पॉजिटिव साइड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन किसमें चला जाता है, इसमें चला जाता है,
और ये होल्स किस में चले जाते हैं, तो ये होल्स जम करके इसमें चले जाते हैं, क्यों, क्योंकि इधर निगेटिव है। तो जितना जितना पेयर इलेक्ट्रॉन और होल्स बनता जाएगा, सब बनेगा इलेक्ट्रॉन इसमें, होल्स इसमें, इलेक्ट्रॉन इसमें, होल्स इसमें, तो इससे क्या होगा कि इसके अंदर मेजोरिटी इंक्रीज कर रही है, इसके अंदर मेजोरिटी इंक्रीज हो रही है, इधर भी मेजोरिटी इंक्रीज हो रही है। और चूंकि हम इसको एक बैटरी से जोड़े हुए हैं, तो इसमें ऑलरेडी करंट फ्लो हो रही है। और कैसी करंट फ्लो हो रही है? माइनॉरिटी करंट फ्लो हो रही है, क्योंकि ये रिवर्स बायसिंग। तो जैसे ही इसमें माइनॉरिटी, इसमें ऑलरेडी करंट फ्लो हो रही, अब इसमें जो होल्स बनने शुरू हुए, जो होल्स इसमें आते गए, वो होल्स क्या होगा कि वो होल्स इसके तरफ, मतलब इस इलेक्ट्रॉन की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। मतलब कि यहां इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ रहा है, इसमें होल्स बढ़ रहा है, इसका मतलब कि आई बराबर NEAVD, ये जो फॉर्मेशन से क्या इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बढ़ते चले जा रहे हैं, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बढ़ेंगे तो आई भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो आई इससे इंक्रीज होने लगी। अब जब आई इससे इंक्रीज होने लगी, तो यहां हुआ ये कि अब आई के बढ़ने से, आई क्यों बढ़ने लगी, क्योंकि फोटोन ने क्या कर दिया है, फोटोन के इंपैक्ट से एटम आयोनाइज होकर सेपरेट हो जा रहे हैं और चार्ज कैरियर को बढ़ा दे रहे, जिससे करंट बढ़ने लग रही। ठीक है, तो यहां पर करंट बढ़ रही किस वजह से, इस लाइट रेस की वजह से। अब इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है, इसको थोड़ा समझिए। हम लोग प्रैक्टिकल यूज में क्या होता है, जैसे जो मशीन होते हैं नोट काउंट करने वाले, करेंसी काउंट करने वाले, वो बहुत सारे मशीन होते हैं, अलग अलग कंसेप्ट पे काम करते हैं, कुछ मशीन इस पर भी काम करती। अब होता क्या है, जैसे देखिए यहां पर लाइट रेज ऐसे है, लाइट रेज ऐसे पड़ रही है और यहां सेंसर लगा हुआ है और इस, ये पीएन जंक्शन लगा हुआ है और इसमें से करंट ऐसे फ्लो हो रही है। अब यहां पर लाइट रेस कंटिन्यूअसली है, तो जैसे ही एक नोट यहां से क्रॉस करेगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये लाइट रेस है और यहां सेंसर लगा हुआ है और सेंसर से ये लाइट रेस कनेक्ट है और करंट फ्लो हो रही है, तो जैसे ही एक नोट इसके सामने पड़ेगा, तो नोट जैसे ही इसके सामने पड़ेगा वो क्या कर देगा, लाइट को ब्लॉक कर देगा। और जैसे ही लाइट को ब्लॉक करेगा, फोटोन का आना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फोटोन का आना कम, मतलब नंबर ऑफ चार्ज कैरियर कम, करंट कम, करंट कम होगी तो यहां पर सेंसर होता है कि किस किस पॉइंट पर कितनी दफा करंट का मैग्नीट्यूड कम हुआ है। तो जैसे ही करंट का मैग्नीट्यूड कम होगा ये काउंट कर लेगा, तो एक नोट इसके सामने से गया, एक बार करंट में कमी आई, काउंट हो गया, फिर दूसरा नोट सामने आया, फिर दूसरे दफा भी करंट में कमी हुई, नोट कर लेता। तो इस तरह से जितने दफा भी नोट इसके सामने से जाएंगे, ये करंट में कमी आती जाएगी और मशीन उसको क्या होगा, नोट करता जाएगा। तो अगर 50 दफा ऐसे हुआ तो इसका मतलब कि करेंसी में कितने नोट है, 50 नोट है। दूसरी चीज क्या है, तो इसको हम लोग करेंसी काउंटर में हम लोग यूज करते हैं। दूसरी चीज क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोई यहां पर डायमंड रखा हुआ है, ठीक है, यहां पर डायमंड रखा हुआ है। अब इस डायमंड को चोर चुराने के लिए आएगा और वहां उसको लगेगा कि यहां पर तो कुछ नहीं है, ये एक बॉक्स में है और यहां पर कुछ नहीं है। तो जैसे ही वो आएगा, तो यहां पर एक रोशनी, अगर मान लीजिए कि यहां पर एक भेपर लगा हुआ है, यहां पर एक भेपर लगा हुआ है, यहां पर भी भेपर लगा हुआ है, तो वो सोचेगा कि वो हीरा है, उसको अच्छे से रखने के लिए खूबसूरत लगे इसलिए लाइट लगाया हुआ है चारों तरफ। अब वो आएगा और हीरा को आराम से उठाएगा। इतने ही देर में क्या होगा कि अगर वो हीरे के सामने आया तो लाइट को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। लाइट को जैसे ही ब्लॉक करेगा तो फिर से फोटोन के आने में कमी हो जाएगी, फोटोन के आने में कमी, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर कम, करंट कम, ये सेंसर से लगा है, सायरन बजना शुरू। तो इस तरह से हम लोग सिक्योरिटी रीजन में भी इसको, फोटो डायोड को यूज करते हैं। तो ये इसका वर्किंग और बेसिक कंसेप्ट सब में, अभी इसके बाद हम लोग सोलर सेल समझेंगे, उसमें भी यही चीज है, फॉर्मेशन ऑफ EH एंड रिकॉम्बिनेशन। यहां पर फोटोन आ रहा है और फोटोन से एनर्जी मिल रही है, इस वजह से फोटोन में से अगर हम N हटा दें तो ये हो जाएगा फोटो, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, फोटो डायोड। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे सोलर सेल, तीसरा नंबर सोलर सेल क्या होता है। देखिए सोलर सेल जो होगा वो एक बॉक्स की तरह होगा,
ठीक है, इसको जो हम लोग बनाते हैं वो एकदम बॉक्स के फॉर्मेट में बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो मेटल का एक बैक कॉन्टैक्ट होता है, ये कॉपर का मान लीजिए कॉपर का है, कॉपर का इसको बोलते हैं बैक कॉन्टैक्ट, निचला हिस्सा बैक कॉन्टैक्ट। इसमें हम लोग ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें हम लोग जो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं वो बहुत ही बारीक बहुत ही पतला, मतलब समझिए कि एक लेयर बस इसके ऊपर क्या किए चढ़ा दी। ये पी टाइप इतना बड़ा है और एन टाइप ये छोटा सा जो हिस्सा है ये एन टाइप, और इसका इसका जंक्शन कहाँ है तो ये जंक्शन है इसका जंक्शन, ठीक है। तो ऐसा बनाने का मकसद क्या है, तो ऐसा इसलिए बनाते हैं क्योंकि नाम इसका क्या है सोलर, मतलब सूरज की रोशनी को हम चाहते हैं कि वो मैक्सिमम लेवल पर इस जंक्शन तक पहुंचे और जंक्शन तक पहुंचने के बाद ये ईएच फॉर्मेशन वाला काम करे। इस वजह से हम क्या करते हैं कि इसको एकदम बारीक बनाते हैं ताकि मैक्सिमम लाइट रेज इस पर पड़े और जंक्शन तक पहुंचे। तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, नीचे इसका बैक कॉन्टैक्ट है, ऊपर एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम ओवरलैप कर दिए। अब चूंकि ये सेमीकंडक्टर है तो इसके पास कंडक्टिविटी उस लेवल की नहीं होगी जितना कंडक्टर के पास होगा, तो हम क्या करते हैं कि अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो तो वो मूव भी करे और उसको एक पार्टिकुलर जगह जाकर इकट्ठा होना है, तो उसके लिए सिर्फ ये सेमीकंडक्टर सफिशियंट नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर एक मेटल की प्लेट बिछा देते हैं, एक मेटल की प्लेट बिछा दिए और इसका कनेक्शन यहां कर देते हैं। अब देखिए, जब ये मेटल की प्लेट को उसके अंदर थोड़ा डीप करके डाल देते हैं तो जैसे ही इसमें से जो भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर एन टाइप में आएगा वो इस प्लेट के कांटेक्ट में आ जाएगा, और चूंकि ये मेटल है, ये मेटल इसको बोल सकते हैं मेटल फिंगर, मेटल फिंगर, ये जो मेटल फिंगर है इसके कांटेक्ट में आएगा और सारे इलेक्ट्रॉन एक जगह जाकर इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। तो यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर हो ये रहा है कि सन रेज यहां पर इसके ऊपर सारे ये सन रेज इसके ऊपर पड़ रही है और पड़ने के बाद इस जंक्शन में जितने भी एटम है उसको क्या कर रही, होल्स, होल्स को अलग, इलेक्ट्रॉन को अलग, तो होल्स नीचे आ गया, होल्स सारे के सारे नीचे आने लगे और इलेक्ट्रॉन इसके माध्यम से, इलेक्ट्रॉन इसके माध्यम से कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं कि सूरज की रोशनी से यहां पर निगेटिविटी मतलब निगेटिव पोटेंशियल क्रिएट कर रहे हैं और यहां पर पॉजिटिविटी, और ये कॉपर का है तो इस वाले हिस्से पर हम पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट कर रहे हैं। तो जब हम एक इंड में निगेटिव पोटेंशियल और एक इंड में पॉजिटिव पोटेंशियल हम स्टोर इकट्ठा कर देंगे तो ये सेम किसकी तरह बन जाएगा, तो ये सेम बन जाएगा बैटरी की तरह कि एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक निगेटिव टर्मिनल है, ये बैटरी बन गया। अब इस बैटरी को ये जो सोलर सेल है इस सेल को हम लोग क्या करते हैं जोड़ देते हैं तार से। अब यहां पर अगर हम बल्ब लगा दिए और स्विच लगा दिए और इसे जोड़ दिए तो जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे इसमें से एनर्जी फ्लो होनी शुरू हो जाएगी और ये जलना शुरू हो जाएगा। तो जो आप गांव में ज्यादातर देखते हैं स्ट्रीट लाइट जो होता है, जो सोलर सेल होता है वो इसी पर काम करता है, उसके अंदर इसी तरह का बॉक्स बना होता है जो जंक्शन होता है जिसको हम लोग सोलर सेल बोल रहे हैं और उसके अंदर पीएन जंक्शन है, और उसमें यही चीज है कि जैसे ये चार्ज हो जाएगा एक जगह निगेटिव पोटेंशियल इकट्ठा होगा, क्यों, क्योंकि उसके जंक्शन पर हमने सन रेज को फॉल कराया है और सन रेज क्या कर रही है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को अलग और होल्स को अलग, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर बनाने का काम कर रही। अब उससे क्या हुआ, एक तरफ नेगेटिव पोटेंशियल एक तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल, और फिर इस ये एज ए क्या बन जाएगा, बैटरी बन जाएगा, और दिन भर ये चार्ज होता है और रात में इसी से हम क्या कर लेते हैं, या कैलकुलेटर में लगा होता है तो कैलकुलेटर में भी धूप में डाल देते तो वो कैलकुलेटर भी काम करने लगता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सोलर सेल, ठीक है। तो ये था सम स्पेशल पर्पस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, समझ में।